हाय वीवर्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जायका इंडिया का पर। आज हम बनाएंगे हेल्दी और इंस्टेंट ब्रेकफास्ट। जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडिया का फेमस उत्तपम। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तपम बनाने के लिए हमने यहाँ पर ली है 2 कप सूजी, बारीक कटे हुए टमाटर, बारीक कटी हुई प्याज, 1 कप दही, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1 टीस्पून नमक और बारीक कटी हुई छोटी हरी मिर्च। सबसे पहले हम उत्तपम का बैटर तैयार करेंगे। इसके लिए हम सूजी में नमक, बेकिंग सोडा और दही डालकर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर सूजी के साथ नमक, बेकिंग सोडा और दही को अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसी के साथ हमने इसमें 1/2 कप पानी भी ऐड किया था। अब हम इसे सेट होने के लिए 20 मिनट के लिए रख देंगे। जब तक हमारा उत्तपम का बैटर सेट होता है, तब तक हम खोपरा और पुदीना की चटनी बना लेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 1/2 कटा हुआ खोपरा, थोड़ा सा पुदीना और हरा धनिया, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 2 छोटी हरी मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक और 1/4 कप पानी। अब हम इन सबको मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करेंगे। इसी का साथ इसमें नमक और पानी डालकर इसको ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पर हमारी चटनी बिल्कुल तैयार है। अब हम चलेंगे उत्तपम के बैटर की तरफ। यहाँ पर हमारा बैटर अच्छे से सेट हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 कप पानी और ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने बैटर को ना ज़्यादा गाढ़ा रखा है और ना ही ज़्यादा पतला रखा है। इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम उत्तपम तैयार करेंगे। सबसे पहले हम तवे पर तेल लगा लेंगे ताकि हमारा बैटर इस पर चिपक ना जाए। अब हम इस पर बैटर ऐड करके इसको अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। यहाँ पर हमें इसे बिल्कुल हल्के हाथों से स्प्रेड करना है। अब इस पर हम हमारे वेजीज ऐड करेंगे, जैसे कि प्याज, टमाटर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया। इसी के साथ इस पर हम काली मिर्च का पाउडर भी स्प्रेड कर देंगे। और थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसे हल्के हाथों से प्रेस करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए सिकने देंगे। हमारी एक साइड सिककर बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम पलट देंगे और तकरीबन 2 मिनट तक और सिकने देंगे। हमारा उत्तपम दोनों साइड से अच्छे से सिक चुका है। आप देख सकते हैं कि सिर्फ 4 से 5 मिनट में हमारा उत्तपम बनकर तैयार है। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे और इसे चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो लीजिए, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है हमारा इंस्टेंट और हेल्दी उत्तपम। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि ये डिश आपको कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें।